गीता की सबसे अनोखी रचना मानी गई, पर कहीं ना कहीं ये रचना ये भी साबित करती है ये सबसे खतरनाक है। एक मनुष्य का जन्म होते ही उसको बोझ से दबा दिया जाता है और वो बोझ होता है धर्म का, मजहब का, और वो इसकी आड़ में ना जाने कितनी बार इंसान ने इसका घरा लौट देता है। और इससे बुरा भला क्या ही होगा कि जो चीज हमने आज तक खुद के लिए चुनी तक नहीं, बस पूरी जिंदगी उसके लिए लड़ते रहते हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी कहानी जो कहीं ना कहीं हम सबके जहन में दबी है, कहीं ना कहीं अनकही है। ये कहानी है हमारे मन्नू की। ये सब झूठ बोल रहे हैं।
दिया, भगवान को हिंदू बांटे, मुस्लिम बांटे, क्या बात समझे? इंसान को किसी भी धर्म या मजहब में ये नहीं सिखाया जाता कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। भगवान, अल्लाह, क्राइस्ट, ये सिर्फ नाम है, शख्सियत सिर्फ एक। हमें इसे जल्द से जल्द अपनाना होगा, क्योंकि जितनी जल्द हम इसको अपनाएंगे उतनी ही जल्द हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। और अगर हम धर्म को गलत नजरिए से देखें, या तो वो इंसान को बेबस और लाचार बना देता है, या फिर आतंकवादी। सिर्फ आज के लिए हमें धर्म को नहीं अपनाना, अपनाना ही है तो इंसानियत को अपनाओ। मैं एक इंसान हूँ, मेरा धर्म, मेरा मजहब सिर्फ इंसानियत है।